मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे यह पूछा है कि एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस होता है। आज मैं इसी विषय पर प्रकाश आपके सामने डालूंगा। एक्ट को हिंदी में कहते हैं अधिनियम तथा कोड को कहते हैं संहिता। शुरू में लॉर्ड मैकाले ने जैसे आईपीसी बनाई थी, इंडियन पेनल कोड 1860, फर्स्ट लॉ कमीशन के समय जो पुरानी प्रथाएं वगैरह चली आ रही थी, प्रथा रूढ़ी या कोई पर्सनल लॉज, जैसे हिंदुओं के ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल था, मुसलमानों पर शरीयत का और मोमडन लॉ लागू था, क्रिश्चियन पर क्रिश्चियन लॉ एप्लीकेबल था, पारसी पर पारसी लॉ लागू था। तो उस समय जो पूर्व से रूढ़ी प्रथा या पर्सनल लॉज के आधार पर कानून लागू थे उनको कोड कहा गया। इसके अलावा कुछ कानूनों में एक्ट और कुछ में कोड क्यों कहते हैं, इसका कारण जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्ट है, इसमें इंडियन पीनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसी प्रकार आरटीआई एक्ट है उसमें 2005 का ये एक्ट है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का है, SC&ST का जो कानून है वो 1989 का है। तो इसी तरह मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड तथा छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 का ये अधिनियम है। तो कुछ कुछ कानूनों में एक्ट और कुछ में कोड क्यों लिखा जाता है। एक्ट जो अधिनियम है उसके लिए संसद में या पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कोई भी ड्राफ्ट कानून का बनाकर रखा जाता है मसौदा, वो दोनों संसद के सत्रों द्वारा पास होने पर वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर सहमति दे देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है और उसको गवर्नमेंट जो भारत का राजपत्र है उसमें प्रकाशित कर देती है। जबकि पर्सनल लॉज जो पुराने रूढ़ी प्रथा कानूनों से चले आ रहे थे या उनके लिए और नए राज्य बनने के बाद उसे लागू किया गया, उन्हें कोड कहा गया। जैसे मध्य प्रदेश आदि के अंदर मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड था, इसमें मध्य प्रदेश के पहले 5 राज्य थे, मध्य भारत था, भोपाल था, सीपी बरार था, महाकौशल था, सिरोंज था, भोपाल, इन सबको मर्ज करके इन राज्यों में जो एक समान लैंड रेवेन्यू के लिए कानून लागू था, भू राजस्व संहिता, उसको 1959 का लैंड रेवेन्यू कोड एक नए कानून के रूप में बनाया गया। वही कानून छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू किया गया। तो कुल मिलाकर जब नया कानून बना उसको मध्य प्रदेश के को एडॉप्ट कर लिया गया तो वो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 का कानून कहलाया। फर्स्ट लॉ कमीशन 1934 में जब आया था उसके लॉ कमीशन के लॉर्ड मैकाले, उन्होंने संहिताबद्ध करके इसको कोड कहा। तो इस प्रकार कुछ कानून जो रूढ़ी प्रथा या पर्सनल लॉज, जैसे हिंदुओं में हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, मुस्लिमों में शरीयत या मोमडन लॉ एप्लीकेबल है, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन लॉ, पारसीज में पारसी लॉ, तो वो कोड कहलाते हैं। तथा बाकी अधिनियम जैसे आरटीआई एक्ट है, SC/ST एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इन सब में अधिनियम नाम दिया जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से मुझे आपका जो स्नेह और प्यार प्राप्त हो रहा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को यथासंभव सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया हो तो मैं भिन्न भिन्न कानूनी विषयों पर स्टूडेंट्स की के निवेदन पर हर कानूनी बिंदु पर कानून की जानकारी आपको देता आ रहा हूं और देता रहूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे तथा इस वीडियो को आप लाइक शेयर अवश्य करेंगे और अपने मित्रों दोस्तों परिचितों साथियों जिन्हें भी आप उचित समझते हैं उन्हें अवश्य भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
देश में। नमस्कार।